खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां कुछ दिन पहले शहर में एक मूक पशु के साथ एक घटना घटी थी, जिसमें एक कुत्ते को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था, जिससे ACAP एनिमल केयर एंड प्रोटेक्शन के सदस्य और शहर के समस्त नागरिक आहत हैं। ACAP प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं की दुर्दशा को नजरअंदाज करने और इसे रोकने के लिए कोई प्रयास न करने से भी दुखी है। वही संगठन ने 25 सितम्बर को कुत्ते के साथ हुई घटना के सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की है। साथ ही स्ट्रीट डॉग्स पर क्रूरता को लेकर प्रदेश में सख्त कानून बनाया जाए, आवारा पशुओं के इलाज की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, ताकि मूक प्राणियों को समय पर इलाज मिल सके। गुना से प्रताप सिंह, प्रभाकर की रिपोर्ट। मांग हमारी यही है कि पहले जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और दूसरी मांग है जो भी है ना स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है, उनके आबादी को लेकर थोड़ा सा कुछ स्टैंड अप वगैरह लगाया जाए या फिर कैंप लगाया जाए। सरकार को पहला ये ऑप्शन उठाना चाहिए कि नसबंदी प्रोग्राम चलाया जाए इनका, जिससे कि इन पर रोकथाम हो सके। और अभी जैसे गायों के लिए ये गाय की हो चुकी है कि गौशालाएँ हैं, सरकारी गौशालाएँ सब कुछ हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ नहीं है उसमें, रोड पे आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे क्या ना आम जनता की भी हानि हो रही है और उनकी भी बुरी तरीके से मौतें हो रही हैं।